हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ हमारे टर्म्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जिसमें मेरे को काफ़ी दिक्कत आती थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं मेरे पास, जो मैंने अदर वेबसाइट से, विकिपीडिया से देखी हैं, जो मेरे पास है, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पांच छह हमारे टर्म्स है, जैसे केटाइन्स, एनाइन्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैथोड और एनोड। इन सब में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है जब इसको, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन। कैथोड में ऑक्सीडेशन है, एनोड में केटाइन्स, एनाइन्स, इन सब टर्म्स बहुत ज़्यादा एक साथ आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है आपको। तो इसमें अगर आप एक माइंड में आपके पिक्चर बनी रहे, एक स्टोरी की तरह, एक निमोनिक की तरह, एक निमोनिक डिवाइस, एक स्टोरी रहे आपके पास कि आपको एकदम से याद रहे कि क्या किसमें कब हो रहा है, कैटाइन्स पॉजिटिव है, एनाइन्स नेगेटिव, एकदम याद रहे, कई बार आपको स्ट्रेस ना डालना पड़े माइंड पे इनको याद करने के लिए। तो ये निमोनिक से आप यूज़ करेंगे, इसमें काफ़ी आपको आसान होगा समझने में भी। एनसीईआरटी से अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, समझने में भी काफ़ी आसान होगा अगर आपको ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर है तो, क्रिस्टल क्लियर है तो। तो आइए समझते हैं इन सब की, इसकी क्या हमारी ट्रिक है, क्या निमोनिक है इन सब चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केटाइन्स की। तो दोस्तों, केटाइन्स में हमारा क्या होता है, केटाइन्स कौन से होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव आयंस को हम केटाइन्स कहते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको पता नहीं चल रहा ये केटाइन्स पॉजिटिव आयंस है या एनाइन्स पॉजिटिव है, तो आपको कैट से कैट याद आ रहा होगा, केटाइन से कैट, और जो हमारी कैट है उसके पास पॉज होते हैं, पंजे पंजे होते हैं। तो पॉज को पॉजिटिव, पॉज से बनेगा, पॉज से हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव हम ऐसे लिखते हैं, पर आप यहाँ पे ऐसे लिखिए पॉजिटिव, कैट है, कैट के पास पॉज है, पॉज मतलब पॉजिटिव, तो केटाइन्स हमारा पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। अब इसका अपोजिट देख लें तो एनाइंस, मतलब अगर केटाइंस पॉजिटिवली चार्ज है तो एनाइंस मतलब नेगेटिवली चार्ज हमारे आयंस होते हैं। तो ये हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड में रहेगा अगर ये ट्रिक हमारी याद रहेगी तो। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा टर्म्स आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पुराने थे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये सब हमारे अब काम नहीं आएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हमारे जो मेन अब हमारा जो काम आएगा वो होगा ऑक्सीडेशन में, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है, और रिडक्शन में हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, कई बार ये भी हमें कन्फ्यूज़ करती है। तो इसको याद करने के लिए हमारा एक निमोनिक दे रखा है, लियो द टाइगर गर्स गर्स, ये इसकी साउंड है जो टाइगर निकाल रहा है, जिसका नाम लियो है। तो एल से हमारा हो जाएगा लॉस, ई से हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा किस में हो रहा है, और ओ से हो जाएगा ऑक्सीडेशन से। तो ये सिंपली हमें याद रहेगा, लियो द टाइगर गर्स से, गर इसकी साउंड है जो टाइगर निकाल रहा है, आपको याद रखना है पिक्चर माइंड में। तो लॉस लियो से होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में हो रहा है, गर से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ ई से हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है हमारा आर से रिडक्शन में। तो हमारे रिडक्शन में हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन में हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको सिंपल क्लियर रहेगा अगर आपके माइंड में पिक्चर रहेगी, एक लॉयन का नाम लियो है जो ग्र कर रहा है, साउंड निकाल रहा है ग्र की। तो आपको लियो द टाइगर ग्र से आपको याद रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑक्सीडेशन में, और जो हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिडक्शन में। इस तरीके से आपको याद रहेगा, क्रिस्टल क्लियर एकदम याद रहेगा कि क्या किस में हो रहा है। ये टर्म आपकी हमारी दो क्लियर हो गई, केटाइन्स एनाइन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको इससे। और अब आपके ये क्या बोलते हैं, हमारे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या प्रोसेस हो रही है, किस में इलेक्ट्रॉन गेनिंग या लॉस हो रहा है, वो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टर्म आती है वो आती है कैथोड और एनोड, जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कैथोड और एनोड। तो किस पे की रिडक्शन हो रहा है, किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके लिए हमें क्या याद रखना है, जो हमें याद रखना है, एक टर्म याद रखना है, रेड कैट टर्म हमारा हो गया, रेड कैट, रेड मतलब लाल बिल्ली, लाल बिल्ली से क्या रिडक्शन हो रहा है हमारा, सी ए टी कैट मतलब कैथोड पे।
और जो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमें याद रखना है, एन ऑक्स, ऑक्स माने सांड, आपने एक सांड देखा, रेड कैट, और एन ऑक्स जो हमारा एनोड पे है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो कैथोड पे है वो हमारा रिडक्शन हो रहा है। रेड कैट से आपको याद रहेगा रिडक्शन एट कैथोड, और एनॉक्स से याद रहेगा एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो ये आपके टर्म्स तीनों आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे, बिल्कुल क्लियर आपको याद रहेंगे। इससे आगे टर्म्स याद रहेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो नेट पॉजिटिव बन रहा है, फिर वहाँ से मूवमेंट हो रहा है तो नेट करंट का मूवमेंट क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अगर आपको ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गए तो आपको पढ़ने में इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।